हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जिसमें ना तो आपको अपनी फेस दिखानी है और ना आपको अपनी वॉइस डालनी है। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि जब मैं इसका अर्निंग प्रूफ आपको दिखाऊंगा तो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि मैं हर बार आपके लिए एक सिंपल सा कंटेंट लेकर आता हूं, इस बार भी मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश और स्वागत करता हूं अपने चैनल आरजी टेक में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं हर बार प्रूफ के साथ अपनी वीडियो बनाता हूं, तो इस बार भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। पहले तो आप पहले देखिए कि ये लोग इस तरह कंटेंट बनाकर यूट्यूब से कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो पहले आप प्रूफ देखिए, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं आपको। तो देखिए, मैं यहां पर अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है और यहां पर सर्च करूंगा टोनू 2.0। अब ये देखिए, मैंने इसके चैनल को ओपन किया, मात्र इन्होंने 5 वीडियो अपलोड किया है और सब्सक्राइबर कितने हैं, 2.22 लाख है सब्सक्राइबर इसके। और देखिए वीडियो पर व्यूज़ कितनी हैं, 13 लाख, 8.8 लाख, 15 लाख, 36 लाख, 4.6 करोड़ में व्यूज़ है इसके। तो सोच सकते हैं कि इस तरह कंटेंट कितना ट्रेंडिंग में है क्योंकि ये कंटेंट किड्स पर बनाते हैं और किड्स लोग इस तरह कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जितने आपके वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, यूट्यूब से आपकी अर्निंग उतनी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह कंटेंट कैसा बना सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह कंटेंट आप भी बना सकते हो और इस तरह कंटेंट बनाने के बाद ना तो आपकी वीडियो पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और ना कोई कॉपीराइट क्लेम आएगी। और इस तरह के कंटेंट बनाने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करोगे आप तो यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। मैंने आपको प्रूफ दिखाया है आप इस तरह के कंटेंट कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में आप सब कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं आज कि इस तरह कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह कंटेंट आप कैसे बना सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरह कंटेंट बनाना कितना आसान है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूं और आप कैसे बना सकते हो, बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेना है। ऑन कर लिया आपने स्क्रीन रिकॉर्डर और उसके बाद आपको वो टॉम 2 जो है वो गेम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर। अब इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है। ये किड्स से रिलेटेड है और किड्स इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ एक बिल्ली आ चुकी है और बिल्ली को मैं टच कर रहा हूँ तो ये कैसे मतलब कि मुंह रिएक्ट कर रही है। बस इसी तरह का रिकॉर्डिंग करके आपको अपने YouTube पर डालना है। देखिए बिल्ली गिर गया, फिर इसको देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये कंटेंट करीबन 30 सेकंड का रिकॉर्ड हो गया है अभी तक। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लिया। अब इस कंटेंट को थोड़ा बहुत इसे एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है काइनमास्टर। तो मैंने पहले से ही काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडिट कैसे करते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। देखिए काइनमास्टर ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेशियो लेना है, 9.16 का रेशियो ले लेना है, सेलेक्ट करना है और आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था आपने उसको यहाँ पर लेके आना है। तो मैं उसको लेके आता हूँ यहाँ पर। इस तरह का कंटेंट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं बच्चे। और इस तरह कंटेंट बनाकर आप जब यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो इस तरह कंटेंट पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आती और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। चैनल आपका बहुत ही आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा और आप भी यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए कि कैसे मैं एडिट करता हूँ, आप भी इस तरह एडिट कीजिएगा और एडिट करने के बाद आप भी यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं इसको। तो देखिए ये टाइमलाइन पर आ चुकी है, अब यहाँ देखिए इसको एडिट करना है। तो ये जो है टाइमलाइन को सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमें। तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हम पेन टू जूम का यूज़ करते हैं। अब पेन टू जूम का यूज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये पूरा स्क्रीन पर आ जाए। ये हो गया। अब हो जाने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा एडिट कैसे करना है, तो जैसे कि आपका गेम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था तो आपका मोबाइल का भी स्क्रीन आ गया था, तो इसे हमें थोड़ा हटा देना है। अब हटाने के बाद आपको यहाँ पर इतना एरिया लेने के बाद आप यहाँ पर जाने के बाद आपको ट्रिम के ऑप्शन में क्लिक करना है और ट्रिम के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ट्रिम लेफ्ट इसको कट कर देना है। और कट करने के बाद जहाँ तक आपको वीडियो एडिट करना है वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ये आपकी वीडियो तैयार हो गई। अब तैयार हो जाने के बाद आप इसको आराम से
सेव कर लीजिए सेव के ऑप्शन में जाकर। ये आपकी पूरी फिल वीडियो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि थोड़ा वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम इसे कम से कम 720 मेगापिक्सल पे रखेंगे HD में और फ्रेम रेट कम से कम 30 होनी चाहिए, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही अच्छी देखने में अच्छी भी लगेगी। तो मैंने कि इसे पूरा कर लिया है, आप भी इसी तरह से एडिट कर लेना और एडिट करने के बाद आप इसे अपने YouTube पर जब अपलोड करोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कैसे एडिट करते हैं ये भी बताया, और इस तरह कंटेंट कहां से लाएंगे ये भी बताया मैंने। और ये कंटेंट जो है ये बच्चों से रिलेटेड है, किड्स से रिलेटेड है, और किड्स लोग इसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपके चैनल पर, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपके वीडियो पर, उतनी ज़्यादा अर्निंग होने वाली है आपके YouTube से। तो आप इस तरह कंटेंट अपने मोबाइल से ही बना सकते हो और ना आपको इसमें वॉइस डालनी है और ना ही आपको अपना चेहरा दिखाना है, और इस तरह कंटेंट बनाकर YouTube से आप भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।